आज हम जा रहे हैं लोंगे वाला चेक पोस्ट, जो कि इंडिया पाकिस्तान की चेक पोस्ट है और लास्ट डेस्टिनेशन फ्रॉम राजस्थान टू पाकिस्तान। और ये लोंगे वाला जो चेक पोस्ट है वहाँ पे फाइट हुआ था 1971 है मैं राइट। और उस पर एक पिक्चर आया था जो था बॉर्डर, तो वो बॉर्डर जो पिक्चर था वो रियल स्टोरी पे है कि हमारे 120 जवान थे और उनकी तरफ से 3000 सैनिक और काफ़ी 50 टैंक के साथ उन्होंने हमला बोल दिया था। और वो रात को किया था, तो प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त हवाई जहाज रात को फ्लाइट नहीं करते थे, तो पूरी रात हमारे 120 जवानों ने डट के मुकाबला किया, जो कि पूरा बॉर्डर पिक्चर में दिखाया गया है और उसके मेजर जो सन्नी देओल ने जिसका रोल किया था, तो आपको पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। तो आज आपको मैं शेयर करवाता हूँ लोंगे वाला चेक पोस्ट की, और वहाँ पे 2-3 डेस्टिनेशन है। काफ़ी टैंक वो पाकिस्तान छोड़ के भी गया था, तो वो भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पूरा देखते हैं। अभी मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो लेट्स सी। चलिए फिर, और जाते जाते ये देखिए पवन चक्कियाँ, यहाँ पे पवन चक्कियाँ बहुत ज़्यादा है, पूरे जैसलमेर में पवन सुजलोन की लगी हुई है। रास्ता बहुत ही शानदार है, नया बनाया गया है। बाजू में पहले मानस थे ना, एक्शन मोड के भाई, ये लोग बादल आ रहे हैं, शायद बारिश होगी। रोड बिल्कुल नए है, रोड एकदम मक्खन है, मक्खन। 153 की स्पीड आई है, स्पीड थी नहीं चलानी चाहिए इतनी स्पीड में, तो हमने कम कर दी, लेकिन रोड बिल्कुल मक्खन है। देखो अभी मैं बोल रही थी ना कि बादल आ रहे हैं, अभी बारिश भी आ रही है, थोड़े थोड़े से छींटे पड़ रहे हैं गाड़ी के ग्लास पे। एक्चुअली वो अपना सेक्टर 24 का ये रमेश भाई ना, वो सही है, वो एस्ट्रोलॉजर, उसने बोला था बादल आएंगे। खुद बुलाता है या ऑटोमेटिक आते हैं पता नहीं, लेकिन उतने उसने तो सिर्फ गुजरात के लिए किया था, राजस्थान के लिए नहीं। यहाँ से गुजरात में भी आ जाएंगे। ये बॉर्डर रोड स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए धीरे चले। अरे 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 अरे, बॉर्डर एरिया अभी 40 किलोमीटर तक की है, फिर भी देखिए वैरान पड़ा हुआ है पूरा। का तूफान चल रहा है, चारों ओर मिट्टी मिट्टी। जो आया तुम्हारा सेंट ड्यून्स, एक तरफ थोड़ी थोड़ी बारिश है और सैंड उड़ रही है। वे टू लोंगेवाल चेक पोस्ट बॉर्डर राजस्थान टू पाकिस्तान बॉर्डर। हम
लोग आ चुके हैं। लौंगे वाला युद्ध स्थल पे ये जो युद्ध खेला गया था वो यहाँ पे था। पंजाब रेजिमेंट यहाँ पे थी और सैप बिशत दास उनकी वीर गाथा गया था। 4 दिसंबर 1971 की रात को पंजाब रेजिमेंट के 23 ये है जगदीत सिंह और काफ़ी वीरतापूर्ण उन्होंने काम किया था। और ये है अवतार सिंह ये इनका टैंक था और इनका टैंक भी क्षतिग्रस्त हो गया था फिर भी काफ़ी बहादुरी पूर्वक ये लड़े थे अवतार सिंह। और ये 20 लेंसर रेजिमेंट के थे हरबीर सिंह। तो ये भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दीज आर द कैरेक्टर बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। देखिए ये है पाकिस्तान की टैंक और ऐसी काफ़ी टैंक डिस्ट्रॉय की गई लेकिन काफ़ी टैंक वो छोड़ के भी चले गए। तो उसमें से ये 2-3 टैंक है जो कि यहाँ पे लोगों को देखने के लिए रखी गई है। तो दीज आर द पाकिस्तानी टैंक जो छोड़ के भाग के चले गए वो लोग। नाम पे ही बॉर्डर कैफे करके स्टोर ओपन हुआ है। ये देखिए जैसा ही पूरा बनाया गया है ज़्यादा बनकर ये थिएटर में जाने के लिए माइंड योर हेड। इस तरह का बंकर होता है। दिस इज द मूवी थिएटर। देख लिया और आगे बॉर्डर तक जा सकते हैं आप।
यहाँ का बॉर्डर पे जाना अलाउड नहीं है, लेकिन शिव माता का मंदिर है वहाँ से जा सकते हैं, लेकिन 3:30 बजे के बाद वो पास नहीं देते, और 3:30 हमारे यहाँ पे ही बज गए। तो आप आए तो ज़रूर ये चेक करना है, जल्दी आना मतलब, और हम लोग यहाँ से इसलिए रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ यही है, ये लोंगेवाल युद्ध स्थल देखना, बॉर्डर में कुछ नहीं है, बॉर्डर तो जैसे हम अपने रास्ता देखा उस टाइप का ही बॉर्डर है, सिर्फ एक गेटवे टू बॉर्डर है और कुछ नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, और आपको अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए। मैं कह दूँ इतना बाढ़ है, बोलो बोलो। ना ना प्लेन चाहिए।